नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर जो हंगामा बिहार में हो रहा है, ये अब काफी ज्यादा उग्र हो चुका है। बात अगर हम करें तो बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें तो एक और तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जहां पर बीजेपी के लौरिया से विधायक विनय बिहारी के काफिले पर पथराव किया गया है और साथ ही विनय बिहारी के साथ गाली गलौज भी की गई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई है बेतिया से, और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक विनय बिहारी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। 300 से ज्यादा लड़के थे, उसमें कुछ राजनीतिक कुछ आरजेडी समर्थक लोग भी दिखे मुझे, और उन्होंने एक लाइन से सबकी गाड़ी, हमारी गाड़ी थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, मारने के लिए भी आए लोग। तो उसमें से एक दो लड़का बोला कि नहीं नहीं मत मारो, छोड़ दो, तो फिर छोड़ दिए लोग, हमें मारा कोई नहीं। लेकिन मोदी जी की गाली, बीजेपी के नेताओं की गाली, माँ बहन की गाली देना और डंटा चलाना, लाठी चलाना, रोहेक रड चलाना, ये सब हुआ। आपको लगता है जो प्रदर्शनकारी जो छात्र, उनके साथ पॉलिटिकल लोग भी इसमें जुड़े? एकदम सब हो, उसमें जो 40 बरस का आदमी था उस छात्र थोड़े हो सकता है। लेकिन पूरे शहर में सब दर्जनों गाड़ी में तोड़ फोड़ है, 500 गाड़ी तो खाली छावनी में तोड़ा है। लगातार बीजेपी के नेताओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में जो तोड़फोड़ है वो भी किया जा रहा है। बिहार भर में जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा उग्र हो चुके हैं, और यही वजह है कि अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो काफी भयावह है। ऐसे में बात अगर हम करें तो बीजेपी के लौरिया से विधायक विनय बिहारी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि कुछ और उपद्रवी लोग भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ विनय बिहारी ने ये भी आरोप लगाया है कि इन छात्रों को अपना निशाना बनाते हुए कुछ लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, और उनकी तरफ से इस प्रदर्शन को, इस हंगामे को किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी के लोगों को। ऐसे में बिहार भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देख कर जो है सरकार अब क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बात करें तो कई तरह के सवाल उठाए हैं बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में आखिर क्या सच है क्या झूठ है, इससे भी पर्दा हटना बेहद जरूरी है। लेकिन बात करें तो तस्वीरें जो बेतिया से सामने आई है, वहां पर विनय बिहारी के काफिले पर जो है वो हमला किया गया है। करीब 200 से ज्यादा के संख्या में जो छात्र थे वो जो है पहुंचे और अचानक विनय बिहारी के साथ गलौज करने लगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।